ब्रेक तो बाद एक बार फिर साढ़े सारे दर्शकों का जी आया कयास राइया और कयास राइया से असी चर्चा कर रहे हैं, चूंकि चर्चा करनी जरूरी है। पंजाब की जनता, पंजाब के वोटर यह जानना चाहते हैं जे वाकई नवजोत सिंह सिद्धू एक वक्री पार्टी बनाते हैं, जो चर्चावां चल रही ने किनू फायदा किनू नुकसान। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बहुत जल्दी यह चर्चा हैगी, लेकिन जो गल पंजाब की आवाम की, गल पंजाब की जनता की होएगी तो चर्चा भी MH1 न्यूज़ से जरूर होएगी। मनजीत सिंह राय जी, मेरा एक सवाल होर तुहाडे तों, बिल्कुल सीधा सवाल कि BJP की सोची समझी साजिश हुण, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जे आम आदमी पार्टी नाल गलबात नहीं बन रही तो एक वक्री पार्टी बना के वो चोणां लड़न ते किते ना किते अनसैटिस वोट बैंक जिहड़ा हैगा वो डाइवर्ट हो जाए, उहदा ध्रुवीकरण हो जाए, ऐसे करके थोड़ा जिहा जिहड़ा माइलेज भारतीय जनता पार्टी अकाली भाजपा गठबंधन नूं मिल जाए। नवरीत जी, ये तो मेरे समझदा ये गल जिहड़ा कहना ठीक नहीं होएगा, पर मैं एक पहला अमन की गल का जवाब देना चाहना कि रेवोल्यूशन और बड़ा हो रहा जी केजरीवाल। मैं कहना केजरीवाल एक डिक्टेटर बंदा है जिन्हें अपने साथियों जिहड़ा यादव जोगिंदर यादव और अपने दूसरे जिहड़े प्रशांत भूषण जी और जिहड़े उन्होंने पिता जी उन्होंने जिहड़े साथियों ने पार्टी बनाया उन्होंने धक्के मार के पार्टी चों बाहर कढ दिता बाई वन वे और अदर, और वो व्यक्ति उन्हें बारे कह रहे एक रेवोल्यूशन आ रहा है। कहदा रेवोल्यूशन है, ही इज द डिक्टेटर ऑफ द पार्टी। हुण इत्थे जो हाल सुचा सिंह छोटेपुर नाल हो रहा या दूसरिया नाल हो रहा है, मैं समझदा कि कोई रेवोल्यूशन नहीं हैगा, एक लालसा है उस बंदे दी। और वो कहंदा कि मैं आई एम द ओनली मैन, मैं एक व्यक्ति हाँ जिहड़ा बहुत सियाना और जिहड़ा बहुत कहंदे ना किसे आ गया सी अन्ने हथ बटेर, वो कहंदा यार के रोज मीट नाल रोटी खांदे आ, या किसे वो एक गंढी मिल गई तो वो कह पंसारी बन बैठा। तो मैं समझदा कि वो एक बार की उन्हें चार सीटा तो जित लिया दिल्ली दिया, वो अपने आप में यह समझता कि मैं हुण पंजाब से भी कब्जा कर लाँगा, फलानी थान से भी कर लाँगा। लेकिन पंजाबी बहुत चंगी तरह जानते ने इंदा की इंदा ड्रामेबाजी है की है, जो कुछ ए भी हो रहा है इन्हे बारे भी जानते ने। जे आप बहुता ज्यादा पिछे ना जाइए, नवजोत सिंह सिद्धू के राज्यसभा मैंबरशिप तो अस्तीफा देने तो बाद कुछ बयानों का मैं जिक्र करांगा। पहले आगू जिन्हों कांग्रेस पार्टी चो कढ़िया गया जगमीत बराड़, वो कहते हैं कि सिद्धू इज वेरी नाइस परसन, मैं उन्होंने गलबात करांगा, पंजाब लिए काम करना चाहते थे इसे करके इस्तीफा दिता, मैं कोशिश करांगा कि मैं उन्होंने नाल आवां। दूजे आगू हुण जिहड़ी गल तुसी कह रहे हो सुच्चा सिंह छोटेपुर की, जिहड़ी गल तुसी कही योगेंद्र यादव जी, जिहड़ी गल तुसी कही प्रशांत भूषण की, मैं कह रहा जिन्ने भी नाराज आगू जिन्हों का जिक्र तुसी कीता, उही बार बार मैं सवाल कर रहा कि जे सारे नाराज आगू जे सिद्धू नवी पार्टी बनाते ने जे उन्हां दे नाल आ जाणगे तां की वाकई पंजाब दी सियासत विच नफे नुकसान वाली गल नहीं होएगी? एक हो सकता उहदे विच कुछ, लेकिन जो श्रोमणी अकाली दल ते BJP दा एक अपना अटुट गठबंधन है वो ते कोई फर्क नहीं पएगा, और जिहड़ा जे फर्क पएगा ये कांग्रेस के उत्ते पएगा, आम आदमी पार्टी के उपर पएगा। सो मैं समझदा कि मैनू नहीं लगता सिद्धू साहब अजा करनगे, सिद्धू साहब बड़े वधिया इंसान ने, बहुत वधिया, मैं उन्होंने बड़ा निजी तौर पर उन्होंने नेड़े जानता क्योंकि मैं अमृतसर का प्रभारी होने के नाते। मैं पता जदों अमृतसर तो पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू ने चोण लड़ी थी लोग सभा की, और उस वेले वो पाकिस्तान कमेंट्री कर रहे थे, तां तुसीं आप वाघा बॉर्डर गए थे उन्होंने लैण, उस तो बाद तुसीं किन्ने किवें 13 दिनों विच वो चोण जीत के दिखाई। मैं मान रहा तुहाडी गल नूं, बिल्कुल आई एग्री, मैं उस चीज नूं जानना, लेकिन हाँ सवाल मेरा एक होर जिहड़ा जिक्र तुसीं थोड़ी देर पहले किया, नवजोत कौर सिद्धू तिरंगा यात्रा 13 अगस्त की तुसी गल की कि उत्थे भी आए, तिरंगा यात्रा होर जिहड़ियां चल रही ने या सरकार दी होर एक्टिविटीज भारतीय जनता पार्टी की, मेरा सवाल एक है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं पार्टी की एक्टिविटीज में दिखाई दे रहे, जिहड़े पार्टी के कार्यक्रम ने उन्हां विच नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हो सकता है कई बार देखो ना उन्होंने TV के कमेंट्री के बहुत समा लगता है, वो बतौर मैंबर पार्लियामेंट भी जो होंगे उदों भी उन्होंने जाना पैंदा सीगा, तो मैं समझदा कि हो सकता उधर उन्होंने जिहड़ा रजेवा होवे, और एज ए MP भी बहुत उन्होंने बार बार रोज आना पैंदा सीगा, बाई एयर आउंदे सीगे और बड़ा ट्रैवल करते सीगे। सो इस मेरी गल जिहड़ी है गुजार सिंह कि साडे भैण नवजोत कौर जदों बड़ा क्लीयरली उन्होंने साडे अनंत सरीन जी वाइस प्रैजीडेंट के नाल तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया, साडा जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रैजीडेंट रजे शनी वो भी नाल सी,
और ये सारी प्लैनिंग जी भारतीय जनता पार्टी वालों बनाई सी बीइंग जन सैकटरी पंजाब बीजेपी मैनू सारा योजना करने का मौका मिलया और उन्होंने पूरा सहयोग दिता और उस यात्रा के बड़े जोश के नाल उन्होंने जोड़े नारे लाए और बड़ा जोश के नाल उस तिरंगा यात्रा के हिस्सा लिया। मैं समझा कि ये अपने आप में कोई उन्होंने कहने की लड़ नहीं बिकॉज क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मैंबर ने ऑनरेबल सीपीएस ने उन्होंने कहने की कोई लड़ नहीं जो चलो ठीक है। मैं बहुत ज्यादा होर समा थोड़ा नहीं लाँगा बहुत ज्यादा समा होर नहीं लाँगा। मनजीत सिंह राय जी एक सवाल सीधा मेरा कि तुम्हें लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक वक्री पार्टी बना सकते हैं? जी जी मैनू इस टाइम तक अजे तो नहीं लगता भी इस तरह का कोई फैसला सिद्धू साहब लैणगे। तुसी एक गल कही कि नवजोत सिंह सिद्धू जे वखरी पार्टी बनांदे ने ते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नु नुकसान होएगा तुसी मानदे हो? हाँ बिल्कुल क्योंकि जिहड़ा एक तुहानू पता एनटीएन का बैंसी जिहड़ा इफेक्ट तो करदी है वो वोट जिहड़ा डाइवर्ट होएगा वो नेचुरली जिहड़ी गल तुसी इह कह रहे हो मेरा सवाल सीधा है चर्चा दी शुरुआत भी मनजीत सिंह राय जी चर्चा की शुरुआत भी मैं ऐसे सवाल तो किसती थी और मैं लगता है कि जवाब तुसी देता वोट डाइवर्ट होएगा नुकसान अपना जड़ा है आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस में होएगा कि यही मैं पूछना चाह रहा हूं। जो आम आदमी पार्टी नाल गल नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी चूंकि राज्यसभा मेंबरशिप तो इस्तीफा दिता सी अजे भी एक ऑप्शन बचता सी कि शायद कोई एक गल इदा दी हुई हो कि तुसी वखरी पार्टी बना लो उस तो बाद नुकसान दोवें पार्टियां नूं होवे जिहड़ी गल तुसी जिक्र की एक बार फिर तो उस सवाल ते आ गया मैं जी नहीं मैं समझदा देखो ना अजे तक अजी कोई गल है नहीं गी कि सिद्धू साहब कोई वक्री पार्टी बनाएंगे पर जड़ी मैं गल तुम पहला कही है एंटी इनकंबेंसी अगेंस्ट जड़ी सत्ता दल होता है उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के होता है नैचुरली होता है और वो जड़ा दूसरे पासे डाइवर्ट होना होता है तो वो क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन इज द सिद्धू अमंगस दी आल अदर्स चाहे रिजेक्टेड पीस साढ़े ने माणयोग कैप्टन साहब उन्होंने दो बार लोगों ने रिजेक्ट किया होया नहीं वो तो कह रहे हैं सिद्धू साहब च डीएनए कांग्रेस का है कैप्टन साहब ने तो आज भी यही गल कही है कि सिद्धू साहब च डीएनए कांग्रेस का है नहीं पर वो नहीं मेरी एक गल सुनो वो एक उन्होंने सरकारयोग पिता जी का एक रेफरेंस देंगे वो एक जिला लैवल दे रहे साढ़े तो माणयोग सिद्धू साहब नैशनल एग्जीक्यूटिव के मैंबर और तीन वेरी उन्होंने मैंबर पार्लियामेंट बनना और उन्होंने धर्मपत्नी मैडम नवजोत कौर ने विधायक चुने जाना और उसका सीपीएस बनना चलो ठीक ठीक है मनजीत सिंह राय जी मैं कुछ सवाल जिहड़े कि शायद इस कयास राइयां तो बाद उठ रहे थे कुछ हाँ ठीक बोलो 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 नवरीत जी लेकिन नवरीत जी पर जिहड़ा जिहड़ा उन्हां दा जिला लेवल दे पिता जी ने काम करना वो साढ़े नाल तुलना नहीं कर सकते कैप्टन साहब मेरे ख्याल च कैप्टन साहब एवं अपनी सैटिस्फैक्शन करते हैं। चलो ठीक है मतलब मेरे कुछ सवाल जिहड़े चर्चा दे शुरुआत च सीगे कुछ सवालों का जवाब मैं जरूर मिल गया है तुसीं ये जिहड़ी गल कही कि नवजोत सिंह सिद्धू जे वाकई वक्री पार्टी हालांकि तुसीं कहा कि कोई चांस लगता नहीं जे बनांदे ने ते आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान होएगा और कितने ना कितने शायद तुसीं भी यही चाहते हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान होवे। बहुत बहुत धन्यवाद समा बहुत ज्यादा नहीं है मनजीत सिंह राय जी मैं माफी चाहवांगा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई अमन अरोड़ा जी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल इस चर्चा दे विच जुड़न दे लई ते साफ हैगा गुरु दी गुगली जिहड़ी हुण सुट्टी गई है जिहड़ी कयास राईआं जिहड़ी खबरां नवीं पार्टी नूं लैके आ रहीआं ने उन्हां खबरां तो बाद पंजाब दी सियासत विच की असर होएगा नवीं पार्टी बनन तो बाद कि वाकई इक वोट कटवा जिहनूं कहिंदे ने ओह साबत होएगी या कुछ जिहड़ियां कयास राईआं ने सिर्फ कयास राईआं ही बण के रहि जाणगीआं। इजाजत दिओ धन्यवाद सति श्री अकाल।